अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। पॉपुलेशन द एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अबाउट होम डिसीजन इज नीटेड, यानी कि वो सब्जेक्ट मटीरियल जिससे रिलेटेड हम लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी हमारी पॉपुलेशन। लेट्स सपोज हम ये जानना चाह रहे हैं कि आईकॉम क्लास वन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लेसन याद करते हैं या नहीं। तो आईकॉम से रिलेटेड हम लोग डिसीजन लेना चाह रहे हैं पार्ट वन की जो क्लास है, तो आईकॉम पार्ट वन हमारी पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट वन है सैंपल, द सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन यूज टू रीच डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का वो सिलेक्ट पार्ट जो कि हम लोग डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। लेट्स सपोज जो है वो पार्ट वन से रिलेटेड हम लोग डिसीजन लेना चाह रहे थे कि पार्ट वन के बच्चे जो है वो लेसन याद करते हैं या नहीं, तो हम ओवरऑल जो क्लास है वो सारे के सारे बच्चों से लेसन नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ हम दो या तीन बच्चों से जो है वो लेसन सुनते हैं या बड़ी हद हम पांच बच्चों से जो है वो लेसन सुनते हैं और हम ये नतीजा अक्स कर लेते हैं कि वो बच्चे लेसन याद करते हैं या नहीं। तो हमने ओवरऑल क्लास का लेसन नहीं सुना बल्कि उनसे तीन या चार बच्चों को एज अ सैंपल के तौर पर सिलेक्ट किया और उन लोगों का लेसन सुनने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बच्चे लेसन याद करते हैं या नहीं। इस केस में वो चार से पांच बच्चे जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उनसे लेसन सुना और उनकी बेस पे हमने ओवरऑल रिजल्ट जो है वो निकाला कि बच्चे लेसन याद करते हैं या नहीं, वो हमारे चार से पांच बच्चे जो है वो सैंपल कहलाएंगे और ओवरऑल जो आईकॉम पार्ट वन की क्लास है वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट वन है पैरामीटर, एन स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्राम पॉपुलेशन डाटा इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि हम पॉपुलेशन डाटा से फाइंड आउट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, वो हमारी पैरामीटर कहलाती है। स्टैटिस्टिक, एन स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्राम द सैम्पल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर जो हम सैम्पल डाटा से कैलकुलेट करेंगे वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो वो पैरामीटर कहलाएगी, और अगर हमने कोई ना कोई डाटा का सैंपल सेलेक्ट किया है और सैंपल डाटा से वो हम स्टैटिस्टिकल मेजर फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारी स्टैटिस्टिक कहलाएगी। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर मैगजीन है, उसके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हम ओवरऑल सबका जो है वो इनकम लेवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हम सारे के सारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनका इनकम लेवल फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पैरामीटर कहलाएगा, क्योंकि हम ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी टोटल सब्सक्राइबर्स हैं, सबका इनकम लेवल फाइंड आउट करके कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर हम रैंडमली 100 सब्सक्राइबर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं और उनका इनकम लेवल फाइंड आउट करते हैं और उसकी बेस पर कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमारी स्टैटिस्टिक कहलाएगी, क्योंकि अब हम लोग जो है वो सैंपल डाटा की बेस पर रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर आप डाटा से रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, फॉरकास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज, अगर आप लोग जो है वो पॉलिसीज डिवेल्प करना चाह रहे हैं तब भी ये जो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा, क्योंकि जो है वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कितना है और उससे रिलेटेड कोई डिसीजन जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प आउट कर सकता है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, अगर आप लोग जो है वो दो क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स की आप लोग हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप लोग जो है वो जितना भी डाटा है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, चार्ट के जरिए उनको शो भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका कंपैरिजन जो है वो ईजी हो जाता है। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा इन सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जिसके जरिए आप लोग जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कलेक्टेड डाटा, यानी कि जितना भी डाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जितने भी उसके जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप लोग इसकी मदद से हाईलाइट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड भी आप लोग डिसीजन ले सकते हैं और पॉलिसीज वगैरह डिवेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ
जो इंडिविजुअल्स है उसके साथ डील कर रहा होता है, और ओवरऑल जो ग्रुप है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जितनी भी खसूसियात हैं वो हमें बता रहा है। सेकेंड पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल लॉज एंड रूल्स डू नॉट होल्ड गुड इन एवरी केस, यानी कि हर किस्म की सिचुएशन, हर किस्म के केस में जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज हैं, जो इसके रूल्स हैं, जो इसके प्रोसीजर्स हैं, हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं उसमें जो है वो ये ठीक साबित होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है वो हम ये जो है वो दुरुस्त साबित होते हैं। इसके कवानीन, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जितने भी केसेस हैं सब पर हम जो है वो स्टैटिस्टिकल लॉज एंड रूल्स को अप्लाई करें और वो जो है वो अदरुस्त साबित हो। थर्ड पॉइंट है, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रिक्वायर्स ग्रेट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास जो है वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको वो टेक्निक्स, आपको वो मेथड यूज़ करने नहीं आते, आप लोग उनमें एक्सपर्ट नहीं हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल आप लोगों का रिजल्ट होगा वो भी फिर दुरुस्त नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल लॉज आर सेम फॉर सोशल एंड फिजिकल साइंसेज, यानी कि अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी सेम है, और अगर हम फिजिकल साइंसेज की बात करें तो उसके लिए भी लॉज जो है सेम है, यानी कि इसके लॉज में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, चाहे हम इसको सोशल साइंसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर फिजिकल साइंसेज के लिए। पांचवा पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट समटाइम्स लीड टू कन्फ्यूजन, यानी कि समटाइम्स इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो नतज हम अखज करते हैं स्टैटिस्टिकल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए, वो हमें जो है कन्फ्यूजन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर आता है उससे हम लोग कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते, बल्कि हम लोग जो है वो कन्फ्यूज होकर रह जाते हैं। नेक्स्ट वन है, इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, यानी कि बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता चला जाता है तो बिजनेस में जो है वो स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। अगर हम बात करें बिजनेस की तो बिजनेस में हम डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में नो होगा, स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स के बारे में, इसके फार्मूलाज के बारे में पता होगा तो हम इजीली अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो कर भी सकते हैं और जो है वो डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। सेकंड वन है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्टेट को मैनेज करने के लिए एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप लोग जो है पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को स्टेट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना पड़ती हैं, तो पॉलिसीज बनाने के लिए भी आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जो है वो ये पता लगाना है कि आपकी कंट्री में कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो है बेरोज़गार हैं, तो उसके लिए भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स की मदद लेंगे, और इस तरह डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं वो डिवेलप करके आप लोग अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। बहुत से जो है वो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स, बहुत से स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स जो है मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, एवरेज, डिस्पर्शन, एस्टिमेशन एक्सेट्रा। इसी तरह प्योर मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, एलजेब्रा हो गया, तो मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है डी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अब इकोनॉमिक्स में जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर हम डिमांड की बात करें, सप्लाई की बात करें, वेल्थ हो गई, वैल्यू एंड यूटिलिटी की बात करें, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के बगैर जो है वो इम्पॉसिबल है इनको सॉल्व करना। इसी तरह
स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिसर्च की बैकबोन है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी रिसर्च आजकल के दौर में ऐसी नहीं जो कि हम स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किए बगैर जो है वो कंप्लीट कर सके। जैसे अगर हम जो है वो मेडिकल की फील्ड में जो है वो कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, तो उनमें भी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना जो है वो ज़रूरी है।